नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज वलसा स्टेशन रोड कुमार ट्रेवल्स के पास जो दुकानें हैं, 80 से 90 दुकानें वहां पे हैं, उन सब दुकानों पे आज सरकार के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा आज वहां पे नोटिस लगाई गई है, ये कहकर के सोमवार को वहां पे डेमोलिशन शुरू होने वाले, यानी दुकानों को तोड़ा जाएगा। पार्किंग प्लॉट के लिए वहां पे आज नोटिस लगाई गई है, पार्किंग प्लॉट बनाने जा रहे हैं सरकार के द्वारा। आज चौथा शनिवार था, इसलिए सरकारी दफ्तर सारे आज बंद थे। कल रविवार है, कल संडे है, कल भी सारे सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। तो दुकानों के मालिकों को, दुकान वालों को वहां पे 2 दिन के बाद समय ही नहीं मिलेगा कि वो इस बारे में जाके चर्चा करे। आज हमने इसको सीधा प्रसारण किया है उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से। मैं जनता से पूछती हूँ कि क्या ये सही हो रहा है? 6 महीने से लगातार लॉकडाउन के हालात में ये लोग थे जिनके पास आमदनी बंद हो चुकी थी, उन्होंने जैसे तैसे अपना गुजारा शुरू किया है, आमदनी शुरू की है, और अब ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ के आसपास के दुकानों को, 80 से 90 दुकान वहाँ पे जो करीब हैं, जो 40 साल से उनके पास दस्तावेज वहाँ पे उनके पास है, उसके बावजूद भी ये दुकानें उनका डेमोलिश किया जा रहा है। सिटी सर्वे में भी उनके ये कहा गया है कि आज हमने इंटरव्यू भी लिया है, आप आगे का कार्रवाई आप जरूर देखिएगा। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं उज्जवल भारत न्यूज से फैजल सिंह। आज हम आ चुके हैं कल्याणबाग सर्कल के पास कुमार ट्रेवल्स के ऑफिस से। आज यहाँ काफी कर्मचारी और यहाँ के शॉप वर्कर्स जो है वो लोग आगे इकट्ठा हो गए हैं, और आज हम उनसे बात भी कर चुके हैं। उन्होंने ये बताया है कि आज सुबह में नगर पालिका द्वारा इन्हें एक नोटिस दिया गया, और नोटिस में ये बताया गया है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर इनकी सारी दुकानें तोड़ी जाने वाली हैं। और नगर पालिका ने इनको नोटिस भी ऐसे वक्त में दिया है जब सैटरडे और संडे का छुट्टी का दिन आता है, तो सारे लोग परेशान है, बेहाल है, और उसमें से आज काफ़ी लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आज आपके साथ हुआ क्या है। अच्छा, आपके साथ आज क्या हुआ है, आप बता सकते हो? आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम दिलीप गुप्ता है, हमारी यह शॉप है बनारसी फेर करके। आज सुबह 9-10 बजे हम लोग को एक नोटिस दिया कि 2 दिन में ये जगह खाली करो, क्योंकि ये पार्किंग प्लॉट है, इसमें डीपी स्कीम है। बल्कि ये जगह हम लोग को तो 1982 में कलेक्टर श्री थी मुद्दलाबेन वसी, उन्होंने हम लोग को ये जगह, हम लोग को ये बेचान से दी है हम लोग को, और 84 में उन लोग ने ये इधर पार्किंग प्लॉट को पार्किंग प्लॉट चढ़ा दिया उसमें जी। और ये हम लोग को अंधेरे में रख के उन्होंने किया है। हम लोग पहले के, हम लोग के पिताश्री जो थे इधर मार्केट में, इधर सब लारी पे बिजनेस करते थे अपना जी। तो मुद्दला यूनिवर्सिटी ने ये देखा कि अभी इन लोग को किधर अच्छी जगह शिफ्ट कराया है, और ये जो रोड पे जो ट्रैफिक हो रहा हो या जो लारी पे जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोग को इधर छोटी छोटी कैबिन दी जाए। तब कलेक्टर में इतना मतलब उन लोग को पावर था कि वो लोग छोटी कैबिन 8x10 की कलेक्टर अपने ऊपर से वो अपने किसी को भी बेचान से दे सकती है, और हम लोग को ये जगह बेचान से दी, और हम लोग को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया जी। और बाद में हम लोग ने म्युनिसिपैलिटी से हम लोग को टैक्स दिया, पानी का कनेक्शन, ये सब जो लीगल प्रोसीजर है सब हुआ जी। फिर म्युनिसिपैलिटी ने तो जो प्रोसीजर है कि टीपी में नहीं आए उन लोग का प्रॉब्लम, उन लोग को देखना चाहिए जी। और हम लोग को जरा सा भी उन लोग ने हम लोग को बताया नहीं जी। और उन लोग ने ये बोल दिया कि ये तो पार्किंग प्लॉट है जी। फिर हम लोग हाईकोर्ट में गए, 4 से 5 बार के हम लोग स्टे लेके आए उधर से। फिर उन लोग बोलते हैं कि हम लोग को अभी कुछ नहीं करना है। फिर उन लोग पेंडिंग हुए 2-4 साल बाद, फिर उन लोग वापस नोटिस भेजते हैं, फिर हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ता है जी। और हर 2-3-4-4 साल बाद ये लोग ऐसे ही प्रोसीजर करके हम लोग को एक मानसिक त्रास हो गया हम लोग के लिए। इसलिए हम लोग यही कलेक्टर श्री से कहना चाहते हैं कि आपने हम लोग को ये जगह बेचान से दी है, आपसे नम्र विनंती है जी, इसका कोई सोल्यूशन लाया जाए। आपका, आपकी अभिप्राय क्या है इस नाते? अभी यही कि कलेक्टर श्री इसका कुछ नया और अच्छा सोल्यूशन लाए, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये नोटिस वो खारिज कर दे जी। और अगर ये गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा इसका निर्णय लाती है तो हम लोग को उसमें बहुत ही मतलब ये पूरे परिवार को यहाँ जो टोटल 92 शॉप है इसमें 3-4 हजार आदमी लोग इधर काम करते हैं। अभी ये कोरोना की महामारी में वो लोग कहाँ जाएंगे जी। और वो लोग जो पार्किंग प्लॉट बोल रहे हैं, ऑलरेडी एक पार्किंग प्लॉट है, उन लोग ने उधर शॉपिंग सेंटर बना दिया, उधर वो लोग पैसा कमा रहे हैं।
जी। वो अभी अभी बनाया और जो इधर 40 साल से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। उस शॉपिंग सेंटर का नाम जरा अब यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बताइए। रंग उपन है और जनक के पीछे जो है कब बनाया गया था, वो निर्माण कब किया गया था, भक्ति के साल पहले निर्माण? 4-5 साल हो गया और हम लोग इधर 40 साल से कर रहे हैं। वो भी हम लोग को इधर पार्किंग के नाम पे हम लोग निकाल रहे हैं। ऑलरेडी ये जगह हम लोग की खुद की है, हम लोग ने इसके लिए पैसे भी दिए गवर्नमेंट को और ये हम लोग को प्रॉपर्टी कार्ड हम लोग के दस्तावेज है, सब प्रॉपर्टी है, टैक्स भरते हैं, सब मतलब डॉक्यूमेंट सब क्लियर है। फिर हम लोग ने यही हम लोग म्यूनसिपालिटी के यही कि इधर पार्किंग प्लॉट के नाम पे खाली करवाया और 2-4 साल बाद इधर शॉपिंग सेंटर ही बनाने वाले हैं और बेचेंगे वो लोग, वही करने वाले हैं। टोटल 92 शॉप्स है और 89 शॉप है और टोटल कितने कर्मचारी है उसके अंदर? ओनर्स को छोड़ के टोटल कर्मचारी कितने जिनको रोजगार मिलता है यहाँ? कम से कम 3-4, 3-3.5 हज़ार है। तो जो नगर पालिका एक्शन मोड में आती है और शायद यहाँ पे डेमोक्रेशन करती है तो उसके बाद आपके पास कोई रास्ता बचता है? हम लोग तो अभी कलेक्टर को ही गुहार लगाएंगे, DSP साहब से भी मिलेंगे, फिर हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे तो हम लोग इधर उपवास पे हमारा उपवास पे उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल कलेक्टर साहब के घर पे आखिरी रास्ता आपके पास हमारे अंतर उपवास के अलावा और कोई नहीं है। फिर भी कुछ नहीं होगा तो फैमिली के साथ इधर हम लोग को आत्मविलोपन करने की जैसे नौबत आ जाएगी। और आपको नोटिस भी बहुत गलत टाइम पे दिया गया है। गलत टाइम पे मुझे ये नहीं समझ में कि आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, ऐसे तो कभी वो लोग गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन काम नहीं करती है। आज एक नोटिस देने के चक्कर में वो लोग ऑफिस खोल सब खोल दिए, 2 दिन का टाइम देंगे, शनि रवि है, हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब स्पेशली टारगेट करके ऐसा लग रहा है। ओके ओके थैंक यू। आप भाजपा सरकार से क्या उम्मीद करते हो? भाजपा सरकार से तो उम्मीद क्या करना, हम लोग तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है हम लोग उनको देख के वोट देते हैं। वही कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही आत्मनिर्भर भारत है कि हम लोग को इधर से बेरोजगार किया जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी वो मुहिम चला रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, छोटे मोटे उद्योग करो। हाँ अभी इधर छोटी मोटी दुकान है, सब 8x10 की दुकान है, 10x8 की दुकान है, पर बड़ी बड़ी दुकान नहीं है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 1 है। इसमें छोटे मोटे सब बिजनेस कर रहे हैं, कोई टेलर काम कर रहा है, मेरा खुद का मेरा बेल का धंधा है। इसमें कितने सैलून भी है छोटे मोटे। तब ये लोग इधर डिमोलिशन करने को सोच रहे थे, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? इस दुकान में सारे लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोलिशन नहीं हो, हम लोग जो है बिजनेस हो। तो उनके हाथ में सब कुछ लिखे कुछ लिख के कुछ कागज पत्रिका दिया है, सबका कुछ नोटिस दिया है हम लोग को। जी वो जरा हमें जरा इस पे न्यूज पे जरा लिखा है, लाइव है ये देखिए, ऐसे सब शॉप पे वो लोग चिपका के चले। जी जी आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत विनोद कुमार मलिक है। अच्छा आपकी कौन सी शॉप है? शॉप नंबर 1। ठीक है, आपको नोटिस आपके हाथ में दिया गया या दुकान के बाहर लगा के चले गए? नहीं हाथ में दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो भी बोला गया है कि आपका इलीगल है, हमारी दुकान टोटली लीगल है। ओके, तो मेरे पास हर एक डॉक्यूमेंट्स है। 1982 में सरकार ने हमको बेचा दी है, उसका दस्तावेज भी हमारे पास है, उसका जो रिसिप्ट है पैसा दिया वो भी हमारे पास है, और सबसे महत्व की चीज सिटी सर्वे, जिसके बगैर कोई भी प्रॉपर्टी लीगल नहीं गिनाती। सिटी सर्वे में भी हमारा नाम है और उसमें भी लिखा गया है कि कायमी धोरण पे आपको ये जगह दी जाती है, उस पर हमने परमिशन लेके दुकान बांधी है। इतने सालों से दुकान चल रही है, इतने सालों के बाद ये लोग बोलते हैं ये पार्किंग प्लॉट है, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये हो ही नहीं सकता है, ये म्यूनसिपालिटी की गलत फहमी है या तो ये कुछ गलत करना चाहते हैं, ये एकदम गलत चीज है। आपकी ये महामारी क्या, आपकी क्या अभिप्राय है भाजपा सरकार को लेकर जो ये नोटिस भेज रहे हैं? ये महामारी चल रही है, इतने महीनों से लॉकडाउन था, हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, धंधा पानी है नहीं, हमारी जेब में जो भी पैसा था वो सब खत्म हो गया। अब दुकान चालू है, कुछ 2 पैसे निकल रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल रहा है, और ये टाइम पे ये दुकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसकी वजह क्या बताएगी? डेमोलिशन की वजह, रास्ता बढ़ाने की वजह क्या बताई गई? पार्किंग प्लॉट बनाने की बता रहे हैं। अच्छा, सरकारी पार्किंग, हमारे लोग रोजी रोटी निकाल के हम लोगों को रास्ते पे ला के वो पार्किंग प्लॉट बनाएंगे यहाँ पे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ पे 80-82 दुकानें हैं, उसके अंदर 200-250 लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो सब बेघर हो जाएंगे, उनके परिवार बेघर हो जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से, कलेक्टर से, DSP से, पुलिस तंत्र से कि हमें जीने दो, हमें यहाँ पे धंधा करने दो, हम सब कुछ कर सकते हैं, गांधी चिन्ह मार्ग पे भी चल सकते हैं, आत्मविलोपन भी कर सकते हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको सही जगह पे हमको जीने दो, हमको कमाने दो।
थोड़ा बहुत हम जीना चाहते हैं, हमको जीने दो, एक शुरुआत हुई है तो हमको शुरुआत करने दो। अगर सरकार को सही में भी जरूरत है तो यहाँ के लोगों के से मिले, उसका कुछ तोड़ निकाले, रास्ता निकाले, तो सबका भला हो जाए उसके अंदर। अभी ये तोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे, हम न घर के न घाट के ऐसा हो जाएंगे, हमको मरना ही पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ दो दिन के अंदर आपको मतलब मैं नोटिस दिया कि दो पहली बात आज आज फोर्थ सैटरडे है, आज रजा है, तो रजा के दिन उन लोगों ने नोटिस हमको क्यों दी? ओके, बराबर है, बिल्कुल टारगेट बना के दिया, मुझे ऐसा लग रहा है जी। कल संडे है तो हम दो दिन में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे कुछ उसका स्टे लाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हम। जाहिर रजा की वजह से आप सैटरडे और संडे के बीच कोई भी सरकारी सब सब दफ्तर बंद है तो इनका क्यों चालू हो गया जी? सरकारी दफ्तर सब बंद है तो इनका क्यों चालू रहा जी? बराबर जी, इसलिए ये भी गलत चीज है। और हम तंत्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि नोटिस वापस खींची जाए और हमको शांति से धंधा करने दे, हमको जीने दे जी। और ये महामारी में से बाहर निकलने दे, ये लोन बोन का चक्कर तो अभी पूरा नहीं हुआ है मोराटियम का और ये चला रहा है, हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग मर जाएंगे। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके थ्रू माध्यम से हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका सही तोड़ निकाले, सही रास्ता निकाले जी, बिल्कुल, और गरीब लोगों के सामने थोड़ा देखे। धन्यवाद। ओके, उज्जवल भारत न्यूज अब आपको मुलाकात करा चुका है और काफी बुरी हालत में है ये लोग। अब हमें देखना ये है कि आने वाले सरकार के क्या स्टेप होते हैं और सरकार इनको किस तरह से सहाय करती है या फिर इनके रोजगार को साफ करती है। देखा किस तरह से आज यहाँ पे डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है, बिल्कुल छुट्टी के दिन आज यहाँ पे नोटिस भेजी गई है, जबकि यहाँ पे आज चौथा शनिवार है, यहाँ पे सरकारी दफ्तर सारे बंद है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आज नोटिस फटकारी गई है। पता है कि कल भी इतवार है, कल रविवार है, तो कल भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। किस तरह से आज इनको दो दिन के अंदर उनको आज परेशान किया जा रहा है, क्या मैं जनता से पूछती हूँ कि सरकार ये सही कर रही है? उज्जवल भारत न्यूज, सीमा भट्टाचार्य, देश की प्रखर आवाज, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।